हेलो फ्रेंड्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ प्रॉब्लम दैट हैज कम मैनी टाइम्स इन टी सी एस और बिप्रो काइंड ऑफ टेस्ट सीरीज एग्जाम्स और टेक्निकल टेस्ट सो ये प्रॉब्लम है पहले तो की सो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया हुआ है वो इस तरह दिया हुआ है गिवन स्टिंग एस टी आर राइट अ प्रोग्राम स हमारे पास एक स्ट्रिंग एस टी आर दी हुई है एंड देन हमको एक प्रोग्राम लिखना है जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे उस एस टी आर स्ट्रिंग को पार्टी करेंगे इन सचा वे की जो हमारी सब स्ट्रिंग उसमें आएंगी उसको पार्टीशन करने के बाद हमारी जो सब स्ट्रिंग्स आएंगी वो हमारी हर एक सब स्ट्रिंग पेलेंड्रोम होगी देन सेकेंड टास्क इज कि जो आ, हम जब उसको सब स्ट्रिंग बना रहे हैं जो पैलिंड्रोम सब स्ट्रिंग बन रही हैं तो हमको कितने कर्स लगाने पड़ रहे हैं जिससे कि हमको जो सब स्ट्रिंग मिली है वो हमारी पैलिंड्रोम स्ट्रिंग श्ट, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग बन रही है अगर हम इसको आ, समझना चाहें तो इस एग्जाम्पल से समझिए कि अगर मेरी एक फोर कैरेक्टर एक स्ट्रिंग है जस्ट लाइक ए ए हमारी स्ट्रिंग है अब इस स्ट्रिंग को अगर हम देखें तो ये ए ए बी ए ए की पैलेंड्रोम स्ट्रिंग नहीं है लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो ए बी ए इज़ अ पैलेंड्रोम स्ट्रिंग जो कि इस होल स्ट्रिंग की एक सब स्ट्रिंग है जो कि इस होल स्ट्रिंग की क्या है सब स्ट्रिंग है सो इन दिस केस अगर हम इसको अगर हम इस स्ट्रिंग को यहाँ से कट लगाते हैं अगर हम इसको यहाँ से कट लगाते हैं तो हमको एक कट लगाना पड़ रहा है जिससे कि हमको दो स्ट्रिंग मिल रही हैं जो पहली स्ट्रिंग हमारी रहेगी वो एक रहेगी ए और जो दूसरी हमारी स्ट्रिंग बनेगी वो बनेगी हमारी ए वी ए सो ये जो हमारी स्ट्रिंग है ये भी एक पैलेंट है क्योंकि ए है अकेला चाहे आप लेफ्ट से देखें तो ए आएगा चाहे आप राइट से देखें तब भी ए आएगा लेकिन जब आप इसको देखेंगे तो so, यहाँ से आप यहाँ से काउंट करना चाहें तो ए बी ए आएगा एंड जब आप यहाँ से इसको रीड करना स्टार्ट करेंगे तब भी यहाँ पर ए बी ए आएगा सो इट इज़ अ पेलिंड्रोम सो ये प्रॉब्लम है हमको यहाँ पर मिनिमम कितने कर्ज लगाने हैं जिससे कि ये जो स्ट्रिंग है वह पेलिंड्रोम बने इसकी जो सब स्ट्रिंग्स हैं वो पेलिंड्रोम बन जाएँ और उसके बाद हमको ये पता करना है कि जो मिनिमम कट्स हैं वो कितने लगाने हैं तो इस आ, इस कंडीशन में हमको कितने कट्स लगाने पड़े सिर्फ एक कट से हमारा काम हो गया सो इट्स अ बेसिक एग्जाम्पल सो अब हम uh, कुछ जो एग्जाम्पल देख के रखें इसमें वहाँ उसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम नोट लिखा हुआ है एफ आट्रिंग इज अ पेलेंड्रोम देन मिनिमम जीरो कर्स आर नीडेड मतलब अगर जो स्ट्रिंग है अगर हमारी, uh, जो हमारी जो स्ट्रिंग है मतलब कि हमारी जो स्ट्रिंग मान लीजिए एक स्ट्रिंग हमको देख के रखी है फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रिंग देख के रखी हमको ए वी ए अब ये स्ट्रिंग जो है हमारी ये स्ट्रिंग तो पहले से ही एक पेलेंड्रोम है अगर ऐसी कोई स्ट्रिंग आती है तो उस स्ट्रिंग को हमको आ, उसके लिए हमको कितने जीरो कितने कट्स देने हैं जीरो कट्स देने हैं देन सेकेंड प्रॉब्लम स्टेट प्रॉब्लम नोट इज हर इज इफ आर स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एंड कंटेनिंग ऑल डिफरेंट कैरेक्टर्स देन द मिनिमम एन माइनस वन कट इज नीडेड मतलब कि एक स्ट्रिंग अगर हम यहाँ पर लेते हैं अगर हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग लेते हैं ऐसी कि ए बी सी डी ई अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ए बी सी डी ई जो कि चारों या पांचों जितने भी हमारे कैरेक्टर्स हैं वो सब डिफरेंट हैं तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करें तो यहाँ अगर हम सो तो कट करें तो यहाँ पर एक दो तीन चार यहाँ पर अगर कोश अगर जो जो, जो आ, जनरल स्टेटमेंट था उसके अकॉर्डिंग चले हम तो हमको हर एक एक यहाँ पर चार कट लगाने पड़ेंगे जिसके अकॉर्डिंग हमारे हर एक पैलेंड्रो हमारा बन जाएगा

अब उसके बाद आ, हमको करना क्या यहाँ पर आ, एक एग्जाम्पल देकर रखा है ए बी ए इन दिस केस ए बी ए ये एक सब ये पहले से एक पैलेट्रोम है तो फ, आ, जो हमारी पहला पॉइंट था उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए इसको इसके अकॉर्डिंग हमारा जो स्ट्रिंग है उसमें मिनिमम कर्स कितने लगने चाहिए जीरो कर्स लगने चाहिए आफ्टर डैट द सेकेंड एग्जाम्पल वी हैव इज ए एस दिस इज द एग्जाम्पल ए सो इन दिस केस वी हैव टू डू इज ए एज नॉट ए पैलेंड्रॉम बी नो इट अगर हम यहां देखें तो अगर हम ए को देखें गौर से तो ए ए अगर ए ए को हम यहां से पार्टी करना चाहें और a -A को और बी को पार्टी करना चाहें तो हमको ए ए जो आ, जो हमारी एक स्ट्रिंग है वो हमारी मिल जाएगी यहाँ पर ओके सही बात में आ आगे अपन को तो क्या करना पड़ेगा हमको ए ए और बी में पार्टीशन करना पड़ेगा यहाँ लगे रिटन वन रिटन वन, वन सिंस द पेलेंड्रोम पार्टीशनिंग ए ए एंड बी कुड कूड प्रोड्यूस यूजिंग वन कट मतलब कि हम ए ए और बी को अलग कर सकते हैं जिससे क्या होगा हमारी एक पेलेंड्रोम पार्टीशनिंग हो जाएगी अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम्पल ले जाएँ यहाँ पर इसको देखें तो यहाँ पर हमारी स्ट्रिंग जो है वो ऐसी है कि ए बी ए बी 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 ए बी बी ए बी ए बी ए अब यहाँ पर आप गौर से देखें तो ए जो हमारी एक स्ट्रिंग है ए बी ए जो हमारी स्ट्रिंग है वो कैसी है एक सब स्ट्रिंग बन सकती है देखिए आप ये देखिए ए यहाँ पर आप देखिए ये ए चला गया यहाँ से देन आफ्टर डैट यहाँ से ए चला गया देन उसके बाद बी ए बी बी ए बी बी ए बी ए बी ए बी बी यहां पर एक ही सब स्ट्रिंग मिल रही है अगर मैं इसको यहाँ पर नाम मैंशन करूं आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर यहां पर देख लीजिए आप इसको एक स्ट्रिंग बन रही है बी ए बी 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 ए बी एक स्ट्रिंग बन रही है और एक ए बन रही है और एक ए बी ए बी ए बन रही है तो हमको कितने कट लगाने मिनिमम थ्री कट्स यहां पर लगाने पड़े सो so यह बात हमको समझ में आ चुकी है सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू कोड इट सो पहली चीज देख लीजिए आप कि हो क्या रहा है यहाँ पर अगर हम इसके एक जनरल uh, चीज यहां देखें तो एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पर एक स्ट्रिंग है एक स्ट्रिंग है मान लीजिए ए B A B B A ये हमारी एक स्ट्रिंग है अगर हम इसको देखना चाहें तो यहाँ पर क्या होगा A एक जो पहली हम हमारा आया अब देखिए आप आ, B, a, B, आ, B A B B A नॉट अ ए नोटा पैलेंड्रॉम अगर यहाँ देखें ए बी बी एज जब पैलिनड्रोम ए बी बी ए क्या है एक पैलिनड्रोम बन रहा है यहाँ पर ये हमारा एक पैलेट्रोम बन रहा है सो अब हम करना पड़ेगा पहला हम कट यहाँ पर लगा दिया हमने पहला कट हमें यहाँ पर लगा दिया अब यहाँ पर क्या होगा इसका यहाँ पर कट लग चुका है तो यहाँ पर एक एक मीडियम कट लग गया अब देखिए आप अब लेकिन उसके बाद ये तो ए भी तो पेलेंड्रोम हमारा है नहीं तो हमको यहाँ पर भी कट लगाना पड़ेगा तो ए हमारी कितनी स्ट्रिंग बनी बनेगी दो कट लगाने पड़े जिससे हम कितनी बन गई एक स्ट्रिंग यहाँ बन गई दूसरी तीसरी चौथी पाँचवी सारे नंबर्स के हम कितने हमको दो कट लगाने पड़े जिससे कि हमें क्या हुआ कि हमको दो सब स्ट्रिंग मिल चुकी हैं। अब इसके बाद यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है हम हर एक सब स्ट्रिंग को चेक कर रहे हैं मतलब पहले हमने इस पूरी स्ट्रिंग को चेक किया देन उसके बाद हम हर एक सब स्ट्रिंग को चेक करें कि यहाँ पर तो हमको पैरिडम नहीं मिल रहा ताकि इसको और हम पार्टीशन कर सकें गेटिंग तो हमको करना क्या पड़ेगा हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को रिकर्जन की थ्रू यूज़ कर सक रिकर्जन की हेल्प से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं सो so, uh, मैं ज़्यादा बातें नहीं करूंगा अब सिंपली uh, आपको मैं कोड की तरफ ले चलूँगा सो so, यहाँ पर मैंने ये कोड लिख कर रखा है इसको मैं एक के बाद एक एक्सप्लेन करता हूँ सो so, मैं थोड़ा जूमआउट कर देता हूँ उसको जूम इन कर देता हूँ एक्चुअली ताकि आप कुछ चीज़ दिख सके ओके okay. सो so, uh, यहाँ पर मैंने एक फंक्शन लगा है इस पेलेंड्रोम नाम का इसे चेक करेंगे कि जो हमारी स्ट्रिंग है वह पेलेंड्रोम है कि नहीं ओके okay, इसकी सेम नॉर्मल फंक्शनैलिटी है स्ट्रिंग ले रहे हैं हम एज अर्गूमेंट एंड आई हम ए, इसका जो लेंथ है वो ले रहे हैं एंड जे जो हमारा इसका जो सॉरी आई एक हम जीरो ले रहे हैं इंडेक्सिंग जो स्ट्रिंग स्टार्ट होगी देन जे जो हमारा है वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है देन आफ्टर आफ्टर हम चेक कर रहे हैं कि वाइल आई इज लेस देन जे मतलब कि जब तक ही हमारी स्ट्रिंग ख़त्म नहीं हो जाती तब तक हम इसको चेक करते आएंगे ओके okay, सो so, uh, यहाँ पर uh, जीरो से लेकर अगर हमारी मान लीजिए लेंथ स्ट्रिंग की है स्ट्रिंग uh, की लेंथ जो है फाइव है तो हम जीरो से लेकर फाइव तक चेक करेंगे अगर जो स्ट्रिंग हमारी प्लेट्रोम है कि नहीं सो आफ्टर डेट हम चेक करेंगे हर एक करेक्टर को चेक करेंगे कि चेक, जो करेक्टर है वो बराबर है कि नहीं uh, अगर दोनों करेक्टर जो है बराबर है कि नहीं अब यहाँ देखिए अब क्या हो रहा है एक्चुअली अगर मैं फिर से तो आपको स्ट्रिंग के पास ले चलूँ इसमें नॉर्मली जो ए, फ, जो हो रहा है वो ऐसा हो रहा है अगर मेरी एक स्ट्रिंग है जो स्ट्रिंग है मेरी वो ऐसी है कुछ है आ, मैं आपको आ, बताता हूँ यहाँ पर अगर मेरी एक जो स्ट्रिंग है वो ऐसी कुछ है और इसमें मैं कुछ एक कट्स लगा रहा हूँ यहाँ पर मैं इसमें कुछ कट्स लगा रहा हूँ मान लीजिए एक स्ट्रिंग है मेरी इसमें लिखा हुआ है ए बी सी डी बी ए सॉरी यहाँ मैं इसको बी कर देता हूँ सी कर देता हूँ एक्चुअली ओके okay.

आई की वैल्यू सॉरी जीरो है और वो इनिशियली ए को पॉइंट कर रहे हैं एंड हियर जे इज इज जीरो वन यहाँ पर देख इंडेक्सिंग कर देता हूँ जीरो वन टू थ्री फोर एंड फाइव तो जे की जो इंडेक्सिंग है वो कितनी है फाइव है एंड वो पॉइंट कर रहा है हमको यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए आप हो क्या रहा है जैसे ही यहाँ पर फर्स्ट इटरेशन होगा तो आई की वैल्यू जीरो है एंड उसके बाद यहाँ पर चेक करेगा कि स्ट्रिंग आई स्ट्रिंग ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल टू तो स्ट्रिंग ऑफ जे क्या स्ट्रिंग ऑफ आई जो है बराबर है या यहाँ पर बराबर नहीं है आप यहाँ देखिए स्ट्रिंग ऑफ आई जो है हमारा है जी ए और स्ट्रिंग ऑफ जे जो है हमारा वो भी है ए तो दोनों बराबर हैं तो यहाँ पर क्या हो गया कंडीशन फॉल्स हो गई तो यहाँ से अंदर नहीं जाएगा इफ कंडीशन में और यहाँ से बाहर से निकल के जाएगा तो आई इंक्रीमेंट हो जाएगा एंड जे जो है हमारा वो हो जाएगा डिक्रीमेंट जब जब हमारा आई इंक्रीमेंट होगा तो आई हमारा यहाँ पर बी को पॉइंट करेगा एंड जो हमारा जे जब डिक्रीमेंट होगा तो हमारा फाइव माइनस फोर हो जाएगा फाइव माइनस वन फोर हो जाएगा तो हमारा जे यहाँ पर आ जाएगा अब सेम लाइक हमारा बी जो है वो बराबर है बी के बी बी आर सेम वो बी आर सेम देन आफ्टर सेम चीज़ होगी यहाँ पर भी आई हमारा फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा सॉरी फॉर डैट हमारा फिर से आई जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा तो यहाँ पॉइंट करेगा एंड जे जो है हमारा वो यहाँ पर फिर से आएगा एंड यहाँ पॉइंट करेगा अब जे की वैल्यू हो चुकी है भाई टू एंड जे आई की वैल्यू हो चुकी है भाई टू अब आई इज टू आई इज टू आई इज लेस देन जे सॉरी आई इज थ्री एंड जे इज टू थ्री सॉरी आई इज टू जे इज थ्री सो वर्ट इज गोइंग हीयर इज कि आई इज़ लेस देन थ्री मतलब कि टू इज़ लेस देन थ्री कंडीशन ट्रू है अब यहाँ जाइए आप अंदर तो स्ट्रिंग ऑफ आई इज स्ट्रिंग ऑफ टू इज नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ थ्री मतलब कि ये जो स्ट्रिंग है सी इज़ नॉट इक्वल टू सी कंडीशन फॉल्स जब कंडीशन फॉल्स हो गई यहाँ पर तो सीधे फिर से आई प्लस हो जाएगा जब आई प्लस प्लस हो जाएगा यहाँ पर तो क्या होगा आप इंटरचेंज कर लेंगे लोकेशन देखिए आप ये जो आई है वो हमारा यहाँ आ जाएगा एक्चुअली मैं इसको शिफ्ट करके दिखा देता हूं आपको हाँ सो वॉट इज हियर नाउ जे ने आई की पोजिशन ले ली है और आई ने जे की पोजिशन ले ली है ओके सो आफ्टर डेट वॉट इज हैपनिंग हियर अब आई जो है थ्री हो चुका है एंड जे जो हमारा टू है तो अब यहां पर वाइल्ड लूप में जब कंडीशन चेक करेगा तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स क्योंकि थ्री इज नॉट थ्री इज़ नॉट लेस than टू ये तो फॉल्स हो जाएगा ना सो so इसकी वजह से क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा तो कंडीशन ऑफ यहाँ से हमारा हो जाएगा जो पॉइंटर uh, है जो हमारा कंट्रोल है यहाँ से नीचे जाएगा और यहाँ से कर देगा रिटर्न कर देगा ट्रू ओके okay. क्योंकि जो जो स्ट्रिंग है हमारी स्ट्रिंग जो है वो क्या है वो पेलड्रोम है ये जो हमारी स्ट्रिंग क्या है पेलेंड्रोम है क्योंकि ए बी सी सी बी एज या पेलेंड्रोम स्ट्रिंग सो उसके बाद ये जो फंक्शन है कैसे काम कर रहा है इसको मैंने ये आपको एक्सप्लेन कर दिया है आफ्टर डेड हम मेन चीज पे चलते हैं इसमें मिनिमम कट्स जो है हमारे मिनिमम पार्टीशन हैं पेलड्रोम के वो फाइंड कर रहे हैं इस फंक्शन uh, के थ्रू सो so, इस फंक्शन uh, में क्या कर रहे हैं हम यहाँ देखिए अच्छे से हमने एक स्ट्रिंग ली है जस्ट लाइक पेलेंड्रोम जो फंक्शन था उसमें ली थी हमने पेलेंड्रोम uh, इसमें स्ट्रिंग ली है इनिशियल इंडेक्सिंग है हमारी एंड uh, जो हमारी एंडिंग इंडेक्सिंग है वो है मतलब कि ये हमारी पर्टिकुलरली लेंथ होगी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगी एंड जहाँ से हमको ये मतलब इनिशियल स्ट्रिंग uh, है इनिशियल इंडेक्सिंग है एंड ये एंडिंग स्ट्रिंग एंडिंग इंडेक्सिंग है सो अंदर जाते हैं हम आई इज़ ग्रेटर देन जे आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जे यहाँ क्या चेक है कि आई जो है हमारा वो बड़ा है इक्वल टू जे से या बड़ा है या फिर या तो आ, या तो बराबर है मतलब कि आ, अगर हमारा स्ट्रिंग अगर हमारी स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो थ्री है तो आई की वैल्यू क्या फोर हो गई मतलब तो बायपास कर दिया क्या मीन्स हमारी स्ट्रिंग खत्म हो चुकी होगी इसका यह है हमारी स्ट्रिंग जो है वो खत्म हो चुकी होगी अगर आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखूँ यह, बताऊँ यहाँ पर यहाँ पर लिखा हुआ था ए फ स्ट्रिंग इज पैलेड्रम देन मिनिमम जीरो काट आर नीडेड ए फर्स स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एंड कंटेनिंग ऑल डिफरेंट करेक्टर्स देन द मिनिमम एंड माइनस वन कट इज़ नीडेड तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पर रिटर्न कर देगा जीरो और यहाँ चेक करेगा अगर जो हमारी स्ट्रिंग है वो अगर पूरी कंप्लीट हो चुकी है तो यहाँ फिर चेक करेगा कि जो स्ट्रिंग थी वो हमारी करेक्ट जो हमारी स्ट्रिंग थी क्या वो पैलेड्रोम थी तो यहाँ पर चेक करेगा अगर मैं यहाँ पर आ, देन इसको चेक करेगा अगर यहाँ पर स्ट्रिंग जो है वो आ, ट्रू होती है वो पेलेंड्रोम होती है तो यहाँ से रिटर्न करेगा ट्रू एंड इसके अंदर कंट्रोल जाएगा एंड यहाँ से रिटर्न कर देगा लेकिन अगर मान लीजिए हमारी स्ट्रिंग भी खत्म हो चुकी है और जो स्ट्रिंग है हमारी वो भी पेलेंड्रोम नहीं है तो क्या होगा उस पर हम क्या करेंगे अंदर ऑपरेशन करेंगे ऑपरेशन कैसे करेंगे देखिए मतलब हमारी जो स्ट्रिंग है वो भी कंप्लीट नहीं हुई है मतलब वो भी अभी इनकम्प्लीट हुई है मतलब कि हमने आई से स्टार्ट किया लेकिन अभी हम इनिशियली पर हैं ठीक है तो उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे एक्चुअली इट इज़ द एंडिंग ऑफ रिकर्जन इट इज़ द एंडिंग ब्लॉक ऑफ रिकर्जन ओके एज वी आर यूजिंग रिकर्जन हेयर तो ये जो है ये एंडिंग रिकर्जन है सो आफ्टर डैट हमने एक वेरिएबल uh, लिया है आंसर नाम का जिसमें हम फाइनल आंसर uh, देंगे यहाँ पर एंड एक काउंटर लिया है जिसको हम काउंट करेंगे एक ट्रेस uh, करने के लिए सो so, अब हम रीड कर रहे हैं पूरी स्ट्रिंग को मैंने uh, केक uh, जो इनिशियली एक्चुअली ये वर्ड इज दिस इज हम सब स्ट्रिंग बनाएंगे यहाँ पर उस हर एक सब स्ट्रिंग को हम uh, चेक करेंगे कि जो सब स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग जो है वो पार्टीशन uh, हो रही है कि नहीं और वो प्लेट्रोम है कि नहीं सो so, इसके लिए क्या कर रहे हैं हमने के को आई सी इनस्लाइज किया है एंड देन के को हम आई uh, आईसी इनस्टलाइज करके जे तक लेके जा रहे हैं और एक के बाद एक करेंगे हम इसको uh, बढ़ाते जाएंगे उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पर मिनिमम uh, पार्टीशन हम यहाँ पर रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं फंक्शन मिन पैल पार्टीसन की ओके okay. यहाँ पर देखिए आप मैंने uh, यहाँ पर स्ट्रिंग पास किया आई पास किया एंड जे पास किया यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ आई पास कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पर क्या पास कर रहा हूँ के अब इनिशियली आई की वैल्यू जीरो थी मान लीजिए तो यहाँ पर क्या होगा के की वैल्यू जीरो जाएगी तो वट वी आर डूइंग अगर मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग लेता हूँ ए बी ए ए तो यहाँ क्या होगा इनिशियली क्या होगा सिर्फ ये ए को ही चेक करेगा बस ओके okay, कि ए चेक करेगा जब ए को अंदर लेके जाएगा ये यहाँ पर चेक करेगा तो ए जो होगा हमारा क्या हो जाएगा पास हो जाएगा क्योंकि आई इक्वल टू जीरो हो जाएगा क्योंकि जब यहाँ से के की वैल्यू आएगी तो के की वैल्यू कहाँ स्टोर होगी जे जे में स्टोर होगी एंड आई की वैल्यू किस में होगी स्टोर आई में होगी तो आई क्या पास हुआ यहाँ पर आई पास हुआ हमारा कितना आई इज इक्वल टू जीरो वट जे इज इक्वल टू वट जेजक्ल टू ऑल्सो जीरो तो क्या होगा ये जो वैल्यूज हैं हमारी सेम टू सेम यहाँ पर आके कॉपी हो जाएंगी और यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा के यहाँ पर क्या होगा के केम वैल्यू जाएगी जब यहाँ चेक करेगा यहाँ पर ये तो क्या होगा जीरो जीरो क्योंकि जीरो जीरो तो है भाई यहाँ पर आई एक कुछ जे हो गया कंडीशन ट्रू हो गया तो यहाँ सीधा रिटर्न कर जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा जीरो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ओके अब उसके बाद क्या यह होगा यहां पर जब ये जीरो रिटर्न हो चुका है तो अब आएगी बारी किसकी इसकी इसकी कॉल होता है यह फंक्शन यहां पर सेवन रिकर्सिव कॉल हो जाएगा इसका भी जब ये कॉल करेगा तो क्या होगा के प्लस वन मतलब कि यहां से के प्लस मतलब वन यहां पर क्या हो रहा है देखिए आप यहां पर क्या हो रहा है यहां पर आई की वैल्यू जो है यहां एक्चुअली आई नहीं यहां पर क्या है के है यहाँ पर है के की वैल्यू कितनी है यहां पर के की वैल्यू हो रही है हमारी वन एंड जे की वैल्यू कितनी है यहाँ पर जे की वैल्यू तो हमेशा यहाँ पर मान लीजिए जो स्ट्रिंग ली हमारी उसकी फाइव लेंथ है तो जे की वैल्यू की फोर अब देखिए वन से लेके फोर तक ही चेक करेगा यहाँ पर ओके okay. सो so, अब इसके बाद जाएगा अंदर तो ये क्या करेगा यहाँ पर यहाँ फिर अंदर जाएगा तो यहाँ पर अब स्ट्रिंग हो चुकी है हमारी बी ए बी ए बी मतलब यहाँ से जो स्ट्रिंग है यहाँ से ए हट चुका है अब हमारी स्ट्रिंग बन चुकी है ए बी ए ए अब फिर से यहाँ चेक करेगा रिकर्सिव कॉल चलता रहेगा और ये क्या करेगा एक के बाद एक क्या करेगा हटा जाएगा एलिमिनेट करता जाएगा एलिमिनेट करेगा एलिमिनेट करेगा ओके और आखिर में क्या करेगा आखिर में जो स्ट्रिंग हमारी जीरो हो जाएगी एंड इसके बाद यहाँ से रिटर्न कर देगा जीरो ओके सो आफ्टर डैट यहाँ पर ही चेक करेगा एंड यहाँ पर ही रिटर्न कर देगा कुछ वैल्यू उसके बाद इन जो आफ्टर uh, काउंटर जो काउंट करेगा हमारा तो हर एक काउंटर के बाद क्या होगा यहाँ पर कुछ वैल्यू मिलेगी इसको तो उस वैल्यू को यहाँ पर स्टोर कर लेगा काउंटर में ओके सो so, उसके बाद क्या होगा हम इन दोनों काउंटर एंड आंसर के बीच में एन, क्योंकि मैंने इसको इंट मैक्स लिख के रखा है इसकी इंटीमैक्स में वैल्यू बताना भूल गया आपको इंट की वैल्यू मैंने हंड्रेड लेके रखी थी पहले से सो so, इन दोनों का जो मिनिमम होगा मिनिमम वैल्यू होगी हम उसको लेंगे यहाँ पर और इसको यहाँ से रिटर्न कर देंगे चलिए हम इसको मेन फंक्शन में आते हैं जो हमारा मेन फंक्शन है वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं स्टिंग लिया हमने ए ए बी ए फॉर एग्जाम्पल और उसको हमने फिर इसके पार्ट इसको हमने मेन फंक्शन जो हमारा फंक्शन है मिनिमम पार्टीशन उसको हम यहाँ से कॉल कर रहे हैं ओके इट इज द बेसिक थिंग जो कि नॉर्मल चीज है अब हम इसको डिबक कर, uh, कर uh, करके